सत श्री अकाल जी, आप सबका जेकर रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाम सिरे के लिए पालक जरूरी होती है। पालक को हमने धोकर साफ कर 3-4 बार साफ पानी में धोकर साफ कर लिया है। अब इसको हमने बॉईल करना है। अच्छी तरह धो, अच्छी तरह 3-4 पानी में धो लेना, जिससे कि मिट्टी होगी सारी निकल जाएगी। ये 700 ग्राम है हमारी पालक। इसको थोड़ा सा पानी डालकर बॉईल करूंगी, थोड़ा सा पानी डालकर इसको बॉईल करना है। मैंने बॉईल करने रख दिया है, इसको 10-15 मिनट हमने बॉईल करना है, जिससे कि अच्छी तरह गल जाए हमारी। ये पालक हमारी बॉईल हो रही है, जितनी देर बॉईल होगी उतनी हम इसको तड़के को तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए थोड़ा सा हमने रिफाइंड डालना है। रिफाइंड डालकर हमने इसमें प्याज डालेंगे, पहले गरम होने तक, घी गरम हमारा हो जाए उसके बाद हम प्याज डालेंगे। अच्छा, 1 टेबलस्पून डाल दो छोटे चम्मच डाल दो इसमें। 2 प्याज है, 2 प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5-6 कली लहसुन की, ऐसे ही हमने डाल देनी है। इनको लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट ब्राउन, बिल्कुल हल्का सा हमने इसको फ्राई करना, ज्यादा नहीं करना। और इसमें हमने खड़ा मसाला डालना है, ये तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, ये दालचीनी, जीरा और ये काजू, इनको अच्छे से हमने फ्राई करना है। बिल्कुल लाइट करना है, ज्यादा नहीं करना, तो प्याजों में हमारी चमक अच्छे से आगे बढ़े। ब्राउन बिल्कुल नहीं करना हमें। प्याज हमारे हो गए हैं, अभी से हमने 2 टमाटर डाल देने हैं। 2 प्याज डाले हैं, 2 टमाटर डाले हैं, इनको गलने तक हम करेंगे। हमारे टमाटर गल गए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह टमाटर नरम हो जाए तब तक इसको हमें बॉईल करना है। इसको हम ढककर भी ढक ले सकते हैं। बॉईल हो रही है, मैं गैस बंद कर रही हूँ। इधर से हमारा ये भी हो गया, मसाला भी हमारा हो गया, इसको भी मैंने गैस बंद कर लिया, गैस बंद कर दिया। देखो ये टमाटर सारे सॉफ्ट हो गए हैं, सॉफ्ट होने तक। अब दोनों को ठंडा होने पर मिक्सी में बीट करेंगे। ये ठंडे दोनों चीज ठंडे होने के लिए रख दिए मैंने, ठंडी हो जाएंगे फिर मिक्सी में बीट। मसाला हमारा ठंडा हो गया, मिक्सी में डाल रही हूँ मैं। मिक्सी में डालकर हमने इसको बीट करना है। इसको मैं अब बीट कर रही हूँ। मसाला हमारा बीट हो गया, मसाले को मैं निकाल रही हूँ बोल के अंदर। ये मसाले को मैंने निकाल दिए। पालक हमारी ठंडी हो गई है, पालक को मैं निकाल रही हूँ बाहर बोल में। इसको अच्छे बॉइल करके ठंडी करके फिर इसको हमने मिक्सी में पीस लो, चाहे बेलने चकली पे पीस लो। ये हमारा देखिए पालक को हमने ना इसका पानी सारा निकालना है। हमें इसको लेकर हाथ से लेकर ना इसको अच्छे से पानी इसका निकालना है, पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। पानी निकाल कर हम इसको हल्का सा बीट करेंगे, ज्यादा नहीं। पानी अगर रह जाएगा तो फिर दिक्कत होएगी हमें ना,
बॉल बनाने में, इसलिए हमें पानी अच्छे से निकालना है इसका। हमारी बीट हो चुकी है, अब इसको मैं निकाल रही हूँ बाहर। ज्यादा हमने बीट नहीं करनी, पतली नहीं करनी, मोटी मोटी करनी है, खड़ी खड़ी रहे, ज्यादा बारीक ना हो। अब इसमें हमने 2 चम्मच बेसन डालना है, जिससे कि हमारे फ्राई करते हुए टूटे ना, इसलिए हमने 2 चम्मच बेसन डाला है। और हल्का सा नमक, 1/4 चम्मच नमक, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। अगर कम लगे थोड़ा सा और डालेंगे हम। पनीर के बॉल बन गए हैं और हमने ये भी मिक्सी में हमने इसको बीट कर लिया है। इसको हाथ में लेकर पालक को इसके अंदर हमने स्टफ करना है, पनीर को इसके अंदर स्टफ करेंगे। अब मैं इनके अंदर डाल दूंगा, इनको हमने डीप फ्राई करना है। हमारे फ्राई हो गए हैं, शाम सवेरा हमारा फ्राई हो गया, इसलिए मैं सारे बाहर निकालेंगे। और फिर मैं रिफाइंड डाल रही हूँ, इसमें 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, अब जो हमने ग्रेवी बनाई है वो डाल दूंगा। हल्के फ्लेम पर बनाना, जो हमने पहले फ्राई किए हैं प्याज वगैरह सब कुछ फ्राई है। अब जितनी हमने ग्रेवी पतली रखनी है उतना पानी डालो, पानी डालो चाहे दूध डालो, इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लें, उसके बाद हम इसे पानी डाल देंगे। ये आधी कटोरी में क्रीम डाल रही हूँ, आधी कटोरी क्रीम डालिए। ग्रेवी जितनी आपने रखनी है उसी हिसाब से हम पानी डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डाल दियो, ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, बस सही होनी चाहिए। मैं अच्छे से बॉईल आ जाए इसको, हमारी ग्रेवी तैयार है। ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है, अभी इसमें हमने गर्म मसाला डालना है। 1 चम्मच गर्म मसाला और 1 चम्मच आधी चम्मच कसूरी मेथी, आधी चम्मच कसूरी मेथी। ये हमारा रेडी हो गया, मैं इस गैस को बंद कर दूंगा।
ये हमारे रेडी है, इसको हमें कटिंग करके सर्व करेंगे। इसे हम सारे कटिंग कर लेंगे। ये है शाम सवेरा, वाह कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। इतना सबकी हम कटिंग कर लेंगे। सबकी कटिंग होगी हमारी के कम करेगी। अब ये ग्रेवी डालकर इसको बढ़ा देंगे। ग्रेवी में डाल रही हूँ बोल के अंदर। अब इसके ऊपर हमने ये रख देना है, चारों तरफ लगा देंगे। शाम सवेरा हमारा रेडी है। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब और लाइक करना भूलना। थैंक यू।